हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली ते। उम्मीद है तुसी सारे ने अपनी आंसर की जिहड़ी हैगी है ऑफिशियल आंसर की दे अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देख ले होणगे। एंड आई एम डैम श्योर कि सारे ने नंबर 4-5 जिहड़े हैगे ने उपर थले होए होणगे, किसी के वध गए होणगे, किसी के घट गए होणगे, है ना। सो ये तो चलो हमेशा हुंदा ही है कि जो एक्सपेक्टेड आंसर की आपां बनाने और जो ऑफिशियल आंसर की आउंदी है उहदे च नीकी का फर्क तो पैंदा ही है। ठीक है जी, ओके। सो गलबात करते हैं कि मैम हुण साडा रिजल्ट कदों आएगा। तो बेटा जी तुहानूं असीं ये दस दईए कि जिहड़ा अपना रिजल्ट आना है स्कूल ऑफ एमिनेंस ते मेरिटोरियस दा, वह हजे भी अपने तो एक स्टैप दूर है। मैम एक स्टैप दूर है दा मतलब की है? क्योंकि देखो पहला जो तुहाडे लई वीडियो बनाई सी कि देखो भाई तुहाडी आंसर की आने वाली है, उस तो नैक्सट डे ही तुहाडी आंसर की आ गई सी। ठीक है जी, हुण रजे रिजल्ट हजे जस्ट आना पॉसिबल नहीं भी थोनू असीं कह दईए जी अज शाम नूं रिजल्ट आएगा जी, सवेरे रिजल्ट आएगा। नहीं मैम, तुसीं इन्नी श्योरिटी नाल किवें कह सकते हो? इन्नी श्योरिटी नाल असीं इस लई कह सकते हां बिकॉज़ जदों असीं आंसर की डाउनलोड कीती तां सानूं देखण नूं की मिलिया कि आंसर की दे विच कुछ सवाल तां उदां ने जो सानूं लग रहे ने गलत ने, पर कुछ सवाल 101% गलत ने जिहदे च कोई शक ही नहीं है। जिवें आपां उह त्रिभुज वाला कीता सी, है ना, सैट बी दे विच नौवां सवाल है उह जिहदी ऑप्शन उहनां ने डी लगाई हुई है ऑफिशियल आंसर की दे विच, पर उहदा राइट आंसर ऑप्शन सी बणदा पिआ है। ਕਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। अच्छा, मेन गल आपां कर की रहे हां, मेन गल आपां ये कर रहे हां बेटा जी कि अज ऑब्जेक्शन दा लास्ट डेट है, तां किसे तरीके नाल अज दा तुहाडा रिजल्ट आ ही नहीं सकदा, क्योंकि अज तां इह ऑब्जेक्शन चैक करनगे कि भाई साडे कोल किहड़ियां किहड़ियां ऑब्जेक्शन आईयां ने, है ना। जिन्हों ऑब्जेक्शन लाउणी नहीं आउंदी उपर आई बटन ते क्लिक करके उह वीडियो देख के ऑब्जेक्शन ला दो, हजे टाइम हैगा है। ओके, हुण राजे फिलहाल तां हजे ऑब्जेक्शनां नाल डील करनगे। बेटा ऑब्जेक्शनां नाल डील करके इन्हां नूं लगभग 1 तों 2 दिन लगणगे आंसर की नूं रिवाइज करन दे विच। बेटा रिवाइज दा मतलब की होंगे एक मिनट मैं तुहानूं समझानी हां, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द पावर पॉइंट, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो सब तो पहला तरह जी साड़ी की आई है, एक आंसर की आई है। ठीक है, एक साड़े कोल की आई है बेटा जी, आंसर की आई है जिहड़ी डिपार्टमेंट दे वल्लों जारी की गई है। हुण बेटा असीं उहते ऑब्जेक्शनां लाईआं ने जिहदे चों असीं 100% श्योर हाँ भी असीं बिल्कुल सही हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्शनां तां बणदियां सी क्योंकि इन्हां ने गलत आंसर लाए हुए ने। हुण बेटा इह ऑब्जेक्शन अज दी तरीक तक है, यानी कि 6 तरीक तक है। हुण इह ऑब्जेक्शनां बेटा जिहड़ियां इन्हां कोल पहुंचियां ने इह उहनां नूं चैक करनगे। ठीक है जी, उहनां नूं की करनगे बेटा, चैक करनगे। ते बेटा चैक करन तों बाद जिहड़ी दुबारा आंसर की आउंदी है उहनूं बेटा की कहिंदे ने, रिवाइज आंसर की कहिंदे ने। की कहिंदे आ पुत्तर जी उहनूं, की कहिंदे ने? रिवाइज आंसर की कहिंदे ने। पिछली वार भी इदां ही होया सीगा, पिछली वार आई थिंक 9वीं क्लास दी आंसर की दे विच थोड़ी मिसटेक सीगी, सो उदों भी फिर बेटा जिहड़ी नवीं आंसर की बण के आउंदी है उह किहड़ी हुंदी है? रिवाइज आंसर की हुंदी है। फिर रिवाइज आंसर की दे उपर कोई ऑब्जेक्शन दी ऑप्शन नहीं दित्ती जांदी। ठीक है, पहली आंसर की ते ऑब्जेक्शन देखण नूं मिलदी है, दूसरी जिहड़ी आंसर की है उहदे ते कोई ऑब्जेक्शन दी जिहड़ी हैगी ऑप्शन नहीं देखण नूं मिलदी। तां जिहड़ी दूसरी रिवाइज आंसर की है बेटा उही आपां कह सकदे हां कि साडी फाइनल आंसर की होएगी, जिहनूं मैच करके आपां अपने फाइनल मार्क्स बनाउणे ने। ठीक है जी, जिहनूं मैच करके बेटा आपां ने की करने ने, अपने फाइनल मार्क्स बनाउणे ने। सो हुण रिवाइज आंसर की, अज लास्ट डे आ तां इदां तां है नहीं कि मतलब नाल दी नाल अज रात तक रिवाइज करके पा देणगे, एक दिन तां उहनां नूं भी चाहिंदा ना इंसान ने, उह वी एक ना एक सारा कुछ मैच करनगे, चैक करनगे। ठीक है जी, सो उस तों बाद की होएगा आपां इह मन के चलदे हां कि 2 दिन दित्ते आपां इहनां नूं, है ना। मान लो आपां की दित्ते, 2 दिन दित्ते, अज हैगी साडे कोल 6 तरीक यानी कि सैटरडे, संडे नूं तां वैसे भी की ओह कम हुंदा होगा। सो आपां इह सोच सकदे हां वी भाई 8 तरीक तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੇ, ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, 8 ਤੋਂ 12 ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਆਇਆ ਥਾ,
मैं तुम्हें पहला भी कहा है कि पहला इन्होंने जो मेरिटोरियस वाला स्कूल है वह रिजल्ट 5-6 महीने लेट किया। स्कूल ऑफ एमीनेंस का तो इन्होंने मिंट मारिया जिम्मे मतलब कराटे नहीं खेलते होंगे भी बस कर दो जल्दी कर दो कि स्कूल ऑफ एमीनेंस का भी बच्चे लेके जाने उधर न पर बच्चे फिर भी एंड टाइम से छड़ गए स्कूल ऑफ एमीनेंस है ना। ता ही थोड़ा यह स्टोरी तो मैं बहुत बार रिपीट की है कि सीन होया पिछली बार। सो अपने आप को पिछले बार न कंपेयर ना करो बिकॉज थोड़ा कुछ भी थोड़े सीनियर्स न मैच नहीं करता ना तो थोड़ा। अच्छा अद्धे बच्चे की कर रहे हैं जिन्हें पिछले साल दी वीडियोस ने है ना तुम्हें पता ही है कि पिछले साल तो मैं तैयारी शुरू करवाई सी ओते वीडियो ते जाके कमेंट कर रहे ने मैम आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मैम पेपर तो 150 का आया था। अरे बेटा एक बार तुसी डेट का देखो केड़ी है पिछले साल दी वीडियोस ने हुण मैनू थोड़ी पता सी भी अगले साल थोड़ा पैटर्न चेंज होगा और वो तो मैं वो बच्चों नू पढ़ाया जेडे पिछले साल दे सी ना थोड़ा सोचा करो। चलो सो इसलिए जरूरी है कि अपने आप को पहला नाल कंपेयर ना करो क्योंकि पिछली बार वोटा नहीं है थी, पिछली बार थोड़ा जेड़ा है पैटर्न चेंज नहीं सी, पिछली बार थोड़ा जेड़ा नंबर है 150 नहीं सी। सो इस बार थोड़ा सारा कुछ की है बेटा जी इस बार थोड़ा सारा कुछ न्यू है। तुम ये कह जोगे हो कि भाई जो मेरिटोरियस का पैटर्न बदलिया असी उस बदले हुए पैटर्न दे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट आ जिवें असी की कहने हुंदे आ असी वह फर्स्ट बैच के स्टूडेंट आ जदों ये पेपर लैन लगी सी ठीक है जदों ये की लैन लगी सी पेपर लैन लगी सी थर्ड बैच सीगा मेरिटोरियस दा जदों असी गए सीगे है ना। सो इसलिए जरूरी है कि चलो अपने लिए कुछ यादगार रह जांदा कि हाँ जी साडे वारी ये पहली बार होया सीगा। सो जिहड़ी गल है कुल मिला के ये है कि 12 तरीक तक 12 अप्रैल तक जिहड़ा सानू रिजल्ट देखण नू मिल सकदा है और बाकी फाइनल आंसर की तो बाद देखते हैं नंबर की होंगे। फाइनल आंसर की दे विच ये नहीं है कि थोड़े 4-5 नंबर इधर उधर हो जाएंगे नहीं फाइनल आंसर की दे विच हद 2 तो 3 नंबर की है ठीक है। और बाकी जी आप रीजनिंग दे विच पहले 2 सवाल जी हैगी है वो लाई है ग्रेस लाई हैगी सॉरी ऑब्जेक्शन लगाई है वो ग्रेस मिलन के पूरे पूरे चांस ने मैं सैट बी के अकॉर्डिंग गल कर रही हूँ ठीक है। मैं तुम्हें दसिया वीडियो च मैंने किमें किमें लिखा वो सारा पेज है ना कि तुसी सानू इंग्लिश दे विच वाटर इमेज कढ़न नू कहा है पंजाबी च तुसी शीशा प्रतिबिंब कहता है तो फिर इतने कितना कि ग्रेस तो बनती है ठीक है। सो चलो देखते हैं किमें गल बातें होनगियां किमें की होएगा फिर उस हिसाब नाल आपां अगे प्रोसीड करांगे। बाकी तुहाडे लई जिहड़ी ओह प्रोफेशंस वाली वीडियो उहते काम चल रहा है मैं सोच रही हाँ कि आपां लाइव आके तुहाडियां ओह डाउट्स क्लीयर कर दीए सो दैट कि अगर तुहाडा नाल दी नाल कोई डाउट होवे तां आपां नाल दी नाल उहनूं सोल्व कर सकीए। सो सारे जणे इह जिहड़ी वैबसाइट इह ते रैगूलर टच च रहा करो इह ते जिहड़ी अपडेट आउंदी आ उहनूं फटाफट जिहड़ा हैगा लगा के हो जा करो ठीक है जी। और NMMS ते PSTSC दी आंसर की आ गई है जिन्हों नहीं मिली हजे तक मैं दस दियो फिर मैं तुम्हें जोड़ा है वो PDF प्रोवाइड कर दांगी ठीक है। चलो थैंक यू सो मच और टेंशन नहीं लेनी है कि बस रेडी रहो जल्दी होएगा इस बार सारा कुछ ठीक है जी। ओके गुड बेटा थैंक यू।